दोस्तों मैं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह एक प्रोफेशनल सा रिज्यूम बना सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरह बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको रिज्यूम बनाने में कहीं पर दिक्कत ना होगी, ना ही कोई न्यू ऐड करने में, ना कोई डिलीट करने में, और आप मनपसंद जिस तरह का आप रिज्यूम बनाने चाहें उस तरह बना सकते हैं। और आपको मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसके मदद से आप अपने रिज्यूम को एक प्रोफेशनल रिज्यूम दे सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में आप पूरी चीज़ और बारीकी से समझेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, कैसे रिज्यूम बनता है और क्या क्या रिज्यूम में रहता है, किस टाइप का रिज्यूम बनता है, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी चीज़ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे अगर आप जीशान मॉनिटर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो चलिए उम्मीद करेंगे आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियोस के टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं आपको दो रिज्यूम दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया और उसी को मैं डिज़ाइन आज इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले पहला रिज्यूम ये है जो मैंने आपको के लिए बनाया है, जिसके ऊपर में नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस, मोबाइल का लोगो, फोटोज़, कैरियर ऑब्जेक्शन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर स्किल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन और डेट वगैरह। इस तरह देखिए मैंने एक प्रोफेशनल सा रिज्यूम बनाया है जिसको मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह, देख लीजिए कितनी बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर रिज्यूम आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आप रिज्यूम बना सकते हैं और मैं आपको इससे अच्छा भी और तरीका बताऊंगा। ये पहला रिज्यूम हो गया और दूसरा रिज्यूम देख लीजिए। दूसरा रिज्यूम यह है जिसमें रिज्यूम नेम, पर्सनल डिटेल है, फादर्स मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी मैटर, स्टेटस, रिलीजन, उसका फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो यस करेंगे या नो, या इस कॉलम को आप हटा भी सकते हैं। अगर यस करेंगे तो उसको परसेंटेज आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप जो भी, यहाँ पे मैं एक ही क्वालिफिकेशन ऐड किया क्योंकि मैट्रिक ही इनका है, और अदर क्वालिफिकेशन आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लेस, डेट और अंग्रेजी और हिंदी सिग्नेचर आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये वाले रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा। ये वाले रिज्यूम किस तरह बने आप देख सकते, कितने प्रोफेशनल रिज्यूम ऊपर में नाम और एड्रेस के साथ साथ लोगो, मोबाइल के साथ साथ मोबाइल का लोगो, ईमेल के साथ साथ ईमेल का लोगो, और उस तरह यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे फोटो, और फोटो की जो क्वालिटी देख सकते, मतलब फोटो का डिजाइन चारों तरफ से देखिए गोल है और साथ में फोटो की एक कॉपी अंदर में भी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे लिखावट की जो डिज़ाइन देख सकते हैं, कैरियर ऑब्जेक्शन, क्वालिफिकेशन एकेडमी बॉक्स में है सर, कंप्यूटर स्किल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ आपने खुद से बना सकते इस वीडियोज़ की मदद से। तो चलिए न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना, पेज लेआउट में जाना, मार्जिन इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको नैरो जो ये वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा, ये जो अभी लिखावट है देख सकते इससे इधर ही होगा और इससे इधर ही होगा, इधर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आउट पे जाएंगे मार्जिन और यहाँ पे नैरो को कर देंगे ताकि अब जो यहाँ पे इस तरह का पेज के इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि ऊपर तक यहाँ में लिखा जाए, और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं पेज के नीचे तक हम लिख सकें इस तरह। ठीक है, और अगर पेज के इस साइड भी लिखना है तो इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये पेज यहीं तक आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिसका भी आप बनाना चाहे उसका नाम लिख देंगे, जैसा कि मैं अपना बनाऊंगा तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। नाम लिख देने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा करना चाहे आप बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा होगा और यहाँ से छोटा होगा, ये आप देख लीजिए, यहाँ से इस पहले ऑप्शन से बड़ा और इससे छोटा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और नीचे हम लिखेंगे मोबाइल, क्योंकि अब मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल, ईमेल और एड्रेस। तो आप देख सकते हैं मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, ये मैंने तीनों को एक कॉलम दे दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये सभी जो स्मॉल में, तो मुझे क्या करना, पहला अक्षर कैपिटल करना, उसके बाद सभी को स्मॉल लिखना है।
तो इसको हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल ए, और यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद सब छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस और मोबाइल के बीच में गैप है, इस गैप को हम डिलीट करेंगे। उस तीनों के गैप के अंदर जो गैप है इसको डिलीट कर, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर फोटोग्राफ इस पर क्लिक करेंगे, ये जो है ये गैप जो ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको हम छोटा कर लेंगे, इस पर क्लिक करके इसको हम इस तरह छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ईमेल मोबाइल और नेम के बीच में भी यहाँ पे एक गैप है, तो इस गैप को भी हम रिमूव करेंगे। इस तरह सभी वर्ड को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इस सभी वर्ड को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे फिर से, और रिमूव स्पेस आफ्टर फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो गैप था वो भी रिमूव हो गया है। रिमूव करने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 0.1.0 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो गैप है ये पूरा गैप ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के बाद हम कुछ इस तरह दे सकते हैं डिज़ाइन, एक डिज़ाइन और एड्रेस के, तो आप देख सकते हैं एड्रेस के बाद ये दे चुके हैं मोबाइल ईमेल, ये हो गया। अब क्या करेंगे इस ये नेम को, जो नेम को हम बीच में एक बार ले लेते हैं बीच में ताकि अच्छा डिज़ाइन लगे। अब यहाँ पे एक लाइन देंगे, एक सीधा लाइन यहाँ से देंगे, तो लाइन देने के लिए क्या करना है आपको इंसर्ट पर जाना होगा और यहाँ पर शेप पर क्लिक करना, कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे लाइन में ये वाला शेप को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट प्रेस किए, जहाँ पे लाइन देना है उसके, जैसे कि हम शिफ्ट को प्रेस किए हुए एक लाइन इसे सीधा गिर देंगे, याद रखेंगे शिफ्ट बटन आपका प्रेस रहना चाहिए। उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो एक लाइन आ जाएगा, और ये लाइन जो है ये शिफ्ट जो ये सेलेक्ट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इफेक्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं, इफेक्ट भी इस लाइन में डबल लाइन दे सकते हैं, जो भी देना चाहे आप यहाँ से एक लाइन में भी इफेक्ट दे सकते हैं, तो मैं इसको कोई इफेक्ट नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, शेप का कलर दे सकते हैं, और यहाँ से शेप की मोटाई इसको आप यहाँ पे ज़्यादा कम बेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम डिज़ाइन भी अगर चाहे तो आप इस तरह इसकी डिज़ाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह डिज़ाइन भी आप यहाँ पर एक नया डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक साइज़ देंगे, तो यहाँ पर नेम को सेलेक्ट करेंगे, तो साइज़ देने के लिए नेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेम की साइज़ है तो 28 दे दीजिए। उसके बाद ये एड्रेस मोबाइल की जो साइज़ है यहाँ पे 14 दे दीजिए। ठीक है, तो ये एक साइज़ हो गया परफेक्ट साइज़। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्शन। अगर आप किसी जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं तो कैरियर ऑब्जेक्शन आपको देना बेहद ज़रूरी होता है, तो ये यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्शन लिख दिए हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से बोल्ड करेंगे। अगर चाहे तो इसको अंडरलाइन दे सकते हैं, अंडरलाइन देने के लिए यू पे क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइन हो चुका है। अगर चाहते हैं तो अंडरलाइन की डिज़ाइन भी चेंज करने के लिए यहाँ पे यू के बगल में बन ये देख सकते हैं, या कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन के जो डिज़ाइन भी आप यहाँ से दे सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप अंडरलाइन की रखना चाहे आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन ये जो है कैरियर ऑब्जेक्ट, इसके साइज़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसको चाहे छोटा बड़ा में लिखने के लिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सभी कैपिटल में लिखने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर केस को सेलेक्ट करेंगे, सभी कैपिटल में हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि इसका पहला अक्षर बड़ा हो और सब छोटा हो, फिर इसका पहला अक्षर बड़ा हो और सब छोटा हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, कैरियर ऑब्जेक्शन लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि आप कंपनी, अगर कंपनी आपको जॉब देती है तो कंपनी के लिए आप क्या करेंगे, ईमानदारी से कंपनी में मेहनत करेंगे और कंपनी के ग्रो के लिए अपनी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करेंगे कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। इस तरह आप करियर ऑब्जेक्शन में लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं करियर ऑब्जेक्शन के बाद स्पेस, उसके बाद ये लिख दिए। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, ये करियर ऑब्जेक्शन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एकेडमी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमी क्वालिफिकेशन लिख दिया, अब चाहे तो एकेडमी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर चाहे तो इसको डिजाइन यानी तिरछा करने के लिए यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, ये डिजाइन तिरछा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इस तरह बड़ा कर लेंगे, और करियर ऑब्जेक्शन को चाहे तो आप टेढ़ा करने के लिए, मतलब थोड़ा डिजाइन देने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, आई करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एकेडमी क्वालिफिकेशन दे दिया। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं माउस नीचे आ चुका है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाने के इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हैं कितने लाइन आपको चाहिए। तो फर्स्ट लाइन चाहिए हमें एग्ज़ाम वगैरह लिखने के लिए, दूसरा मैट्रिक, तीसरा इंटर, उसका ग्रेजुएसन,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से 5 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप चाहे तो इसको बाद में भी ज़्यादा कम बेस या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमी क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक गैप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है जिसमें हम लिख देंगे एग्ज़ाम, उसके बाद लिखेंगे इसमें बोर्ड, उसके बाद इसमें लिखेंगे पासिंग ईयर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम दे दिए हैं, बोर्ड दे दिए, पासिंग ईयर दे दिए, मार्क्स दे दिए और परसेंटेज दे दिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आप चाहे तो मैट्रिक लिख सकते हैं, मैट्रिक इस तरह लिख सकते हैं मैट्रिक, इसको अंडरलाइन को हम रिमूव कर देते हैं, मैट्रिक लिख दिए। अगर चाहे तो आप मैट्रिक के बदला आप टेंथ लिख सकते हैं, टेंथ लिखने के बाद TH लिखेंगे, TH लिखने के बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, ये जो TH है ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद टेंथ दे, उसके बाद टेंथ जो किए थे वो कौन सी बोर्ड से किए थे वो आप यहाँ पे देंगे, उसके बाद पासिंग ईयर देंगे, पासिंग ईयर जो भी था आपका वो देंगे, कितने मार्क आया वो देंगे। अगर चाहे तो इसमें फ्लैश देख के आप ऑप्टेन मार्क मतलब फुल मार्क भी दे सकते हो, ऑप्टेन मार्क के साथ फुल मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज जितना भी आया वो परसेंटेज है आप यहाँ पे इस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों में अंडरलाइन आ गया, इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये अंडरलाइन हट गया, ठीक है। तो इस तरह अगर चाहे तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क दे सकते हो या फलेस दे के आप फुल मार्क भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद 12th का यहाँ पे देंगे, 12th अगर चाहे तो इंटर लिख सकते हैं या ISC IE कुछ लिख सकते हैं, IA। तो यहाँ पर मैं 12th 12 लिख दिया 12। उसके बाद स्मॉल में TH लिखेंगे, TH लिखने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे ये TH का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये TH का जो साइज है ये छोटा हो जाएगा। तो लिखने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके स्पेस बटन प्रेस करना है, तो ये TH जो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बोर्ड भी लिख देंगे, जो भी आपका बोर्ड बोर्ड लिखेंगे, अपने किस वर्ष क्या है और उसमें कितना मार्क आपको आया वो डालेंगे। तो आप देख सकते हो इसी तरह आप 12th का भी डाल सकते हैं और 10 मार्क फुल मार्क और परसेंटेज, अगर चाहिए तो परसेंटेज के बाद आप परसेंटेज के लोगो भी दे सकते हैं मतलब चिन्ह। तो शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करेंगे ये आपको परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करेंगे ये चिन्ह आ जाएगा। तो 10th और 12th का देख, अगर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ग्रेजुएशन कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के साथ साथ आपको फ्लेश देखिए UNB भी लिख दीजिए, यानी कि यूनिवर्सिटी UNB शॉर्ट हो जाएगा इसका, ठीक है यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन दे देंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, पासिंग ईयर कितने मार्क है वो देंगे और परसेंटेज देंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखो ग्रेजुएशन जो इसका बॉक्स छोटा हो चुका है, तो इसको हम इसका बॉक्स को बड़ा करने के लिए इसको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इस तरह बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये बड़ा हो जाए, तो इस पर क्लिक करके ये बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दूसरे बॉक्स बड़ा है, ये भी बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए। उसको इसकी साइज देख सकते हैं, ये साइज इसकी साइज कुछ और है और इस सबकी साइज कुछ और है। तो सभी की साइज एक करने के लिए हमको सभी टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह कर लेंगे, छोटा बड़ा जो भी है। तो यहाँ पर एक बार हम छोटा और कर लेते, तो आप देख सकते हैं ये सभी की साइज एक हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप साइज भी सभी का एक साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने 4 बॉक्स लिया था, अगर आप चाहते इसी में एक और बॉक्स ऐड करने के लिए इसी में आप एक और बॉक्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रैग टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह ड्रैग कर सकते हैं कितने बार आपको बॉक्स चाहिए, कहाँ से चाहिए, इस तरह हमको इतने बड़ा बॉक्स और यहाँ से इस तरह का बॉक्स चाहिए, एक और बॉक्स चाहिए। तो इस तरह हम इसको यहाँ से ये कौन मिला देंगे, तो एक बॉक्स यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इसी में देख सकते हैं इसी में एक बॉक्स बन चुका है और बीच में भी लाइन हमें देना है, तो इस तरह हम यहाँ पे इसके मुंह से उसके बाद यहाँ पे बीच में लाइन देना चाहे तो इस ऊपर वाले लाइन के से क्लिक करें नीचे वाले लाइन तक छोड़ देंगे, तो ये देख सकते हैं ये बराबर में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला भी लाइन सेलेक्ट है, नीचे तक लाइन सेलेक्ट है। अब जो हम माउस को हटा देंगे तो ये सेम आपको देख सकते सेम ये सीधा हो जाएगा। तो फिर से करने के लिए ऊपर वाले लाइन पे क्लिक करेंगे और इस तरह नीचे ड्रैग करेंगे, तो ऊपर वाले लाइन जो है वो सेम सीधा नीचे भी एक लाइन खींच देगा। इसी तरह आप ऊपर वाले लाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे फिर इसको सेलेक्ट किए हुए नीचे खींचेंगे, तो ये नीचे तक फिर से एक सीधा लाइन खींच देगा। फिर से ऊपर वाले लाइन पर क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये सीधा लाइन खींच देगा। इस तरह आप जितना भी लाइन लेना चाहे, जैसे भी लाइन लेना चाहे, आप यहाँ से ड्रैग करके मनपसंद लाइन आप ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो आप समझ गए, अगर आपको चाहे मतलब इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जब आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाले ऑप्शन आ जाएगा डिजाइन वाले, तो आप इरेजर है नहीं तो आप जाएंगे यहाँ पे टेबल पे और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस टूल सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डिजाइन में और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे ये लाइन हट जाएगा, जिसको हटाना इस तरह आप लाइन हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिजाइन पे इसको हम इस तरह हटा भी सकते हैं, कोई भी लाइन बेसी हो गया छोटा हो गया तो आप इससे इस पर क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे चुके हैं आप, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बदले एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं, ये बेस्ट है एकेडमी। उसके बाद ये उसके बाद आपको देना है कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर का अगर नॉलेज आपके पास है तो वो आप डाल लेंगे यहाँ पे लिख दिए, तो इसको हम अंडरलाइन रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर स्किल लिखेंगे और यहाँ पे देखिए सभी स्मॉल है तो हम छोटा बड़ा करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं ऊपर केस यानी कि सभी को कैपिटल और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला लाइन में लिखेंगे कंप्यूटर की जो जो नॉलेज है वो आप डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे कंप्यूटर में फोटोशॉप का, पावर पॉइंट का, एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज है तो वो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिख दिया एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये कंप्यूटर में जिस जिस चीज़ की आपकी नॉलेज है वो आप इस तरह दे इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इस तरह आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा गैप को हम, ठीक है, तो ये हो चुका है, इसको हम जो भी साइज में रखना चाहे वो रख सकते हैं इसी तरह। उसके बाद ऑब्जेक्शन हो गया, एकेडमी हो गया, कंप्यूटर स्किल हो गया, अब यहाँ पे देना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं या पर्सनल प्रोफाइल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, पर्सनल प्रोफाइल बेस्ट रहेगा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड रखेंगे इस सभी को और इसको हम थोड़ा सा ब्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में लिखेंगे पर्सनल प्रोफाइल में हम फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, तो यहाँ पे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वेस्ट लगे, और इसको हम इस तरह अंडरलाइन कर दिए और इसे हम मतलब कि तिरछा भी कर दी ताकि एक की जो डिज़ाइन की क्वालिटी बेस्ट लगे देखने में, ठीक है। तो फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और मैरिटल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, नेशनल वगैरह आप दे सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको देना डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन लिख दिए उसको अंडरलाइन देंगे और उसको भी बोल्ड रखेंगे, सभी यहाँ पे सभी वर्ड को बोल्ड रखेंगे और फिर बाद में आप इसको चेंज करना चाहे चेंज कर। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखेंगे, डिक्लेरेशन ये लिखना है कि ऊपर दिए गए जानकारी हमारी नॉलेज के अनुसार सारी जानकारी सही है, तो आप डिक्लेरेशन लिख सकते हैं जो जैसा कि देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसे हम छोटा कर लेंगे क्योंकि ये अब दूसरे पेज में जा रहा है, तो हम सभी को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस तरह छोटा कर लेंगे तो नीचे में जगह हो चुका है तो हम उतना छोटा नहीं करेंगे इसको, हम तो इसको हम छोटा कर ले, छोटा करने के बाद देख सकते यहाँ पे भी स्पेस आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेट देंगे, डेट डेट दिए उसके बाद प्लेस देंगे, ये दीजिए ये दोनों कैपिटल में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंटेंस के इस पर क्लिक करेंगे, कैपिटल स्मॉल में हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम एक कोस्ट ब्रेकेट बनाएंगे इस तरह जो आप देख सकते हैं, और इसके बीच में नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख दिए और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे इस। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इस साइड में इसको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। यहाँ के इसके इसके ऊपर सिग्नेचर होगा, यहाँ पे डेट और यहाँ पर स्थान होगा, तो इस तरह आपका एक रिज्यूम, प्रोफेशनल रिज्यूम बन के रेडी है। तो अब थोड़ा सा इसमें फ़ोटो लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी फ़ोटो लगाना है यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, जो फ़ोटो लेना है वो फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, इसको हम ऊपर कर लेंगे, जहाँ पे लगाना है फ़ोटो को हम ऊपर ले लेते हैं, इस फ़ोटो को हम यहाँ पर लगाना है तो फ़ोटो को यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ फोटो पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे टेक्स्ट वेरीफिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब इस फोटो को हम जहाँ भी देना चाहे वहाँ दे सकते हैं। फोटो को जितना है बड़ा करना चाहे छोटा करना चाहे आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फोटो को गोल रखना है इस तरह या इस तरह, किस तरह फोटो को डिजाइन देना चाहे आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। गोल देना या इस तरह जो भी देना है तो आप दे सकते हैं, जो भी आपको ये बेस्ट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। और जैसा कि बताया कि मैं एड्रेस के बगल में एड्रेस का लोगो, मैप का लोगो, मोबाइल के बगल में मोबाइल का लोगो, ईमेल के बगल में ईमेल का लोगो देंगे। तो यहाँ पे एड्रेस के बगल में एड्रेस का लोगो देना है, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च है तो यहाँ पे लिखेंगे, सर्च में लिखेंगे आप एड्रेस में मैप देते हैं नक्शा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे MAP मैप लोगो, मैप लोगो लिखेंगे। गो पे क्लिक करेंगे और मैप लोगो जैसे क्लिक करेंगे, गो करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे जो भी आपको अच्छा लगे। जैसा कि मैं ये वाला लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो यहाँ पे आ चुका है इसको हम इस तरह छोटा कर लेंगे। तो हम इसको छोटा कर लिए और इस पर हम फिर से यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसे हम छोटा करेंगे, पूरी छोटा इस तरह, और देख सकते हैं पूरी छोटा कर दिए हैं और इसे हम एड्रेस के आगे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा डिजाइन अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा डिजाइन रहेगा, जितना अच्छा आपका रिज्यूम रहेगा, उतना आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद मोबाइल है तो मोबाइल लोगो देंगे। यहाँ पे मोबाइल लोगो को सर्च करेंगे, मोबाइल लोगो, उसके बाद गो। अब मोबाइल यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल आ गए, जो भी आप मोबाइल रखना चाहें, मैं ये वाला मोबाइल दूंगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये मोबाइल यहाँ पे आ चुका है, छोटा कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद मोबाइल को पूरी छोटा कर लेंगे इस तरह। अगर आप रिज्यूम नहीं भी बनाना चाहे, कोई और चीज़ बनाना चाहे MS वर्ड में, तो आप इस ट्रिक की मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मोबाइल आ चुका। अब यहाँ पे हम देंगे, क्या देंगे, ईमेल। ईमेल का यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, ईमेल लोगो लिख के हम सर्च करेंगे। ईमेल लोगो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, बहुत सारे जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं ये वाले सिलेक्ट करता हूँ, ये आ चुका है, इसको हम छोटा कर लेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करेंगे और ये फ्रंट टेक्स्ट पे आ जाएगा। इसको पूरा छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पे हम पूरा छोटा इसको कर लेते हैं। तो हम इस तरह इसको छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हम थोड़ा सा अगर हम चाहे तो ये लाइन को नीचे थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो लाइन पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के एरो बटन से इसको नीचे करेंगे और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। देख सकते हैं एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आ चुका है यहाँ पे, ये फोटोकॉपी। और यहाँ पे ये नेम को अगर आप बड़ा करना चाहें, इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखावट, लिखावट को एक कलर देंगे, लिखावट जो उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल ए करेंगे, ये सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसका चेंज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, स्टाइल सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मल पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सभी का लिखावट देख सकते हैं, एक अच्छे बेहतरीन लिखावट में यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह आप दूसरे भी कल स्टाइल में चाहिए तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे फैंसी कर सकते हैं, जिसमें भी चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। वर्ड 2003 में कैसा था, 7 में कैसा था, उस तरह का चाहिए। फॉर्मल जो है, फॉर्मल ये बेस्ट है, फॉर्मल ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, फैंसी भी कर सकते हैं, फॉर्मल इज ए बेस्ट। ठीक है, अब चाहें तो आप इस पेज के चारों साइड बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, किस तरह का बॉर्डर चाहिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा देगा। यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं जैसा ही बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पे बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। और बॉर्डर का कलर आप देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, और इसकी मोटाई जितना देना चाहें आप वो भी यहाँ से देख सकते। उसके बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉर्डर इसमें लग चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो बॉर्डर है इस लिखावट के, लिखावट कट रहा है, ठीक है, इसलिए
आप ये बॉर्डर के देना चाहे तो बॉर्डर के अंदर ही इसको कर लेंगे, बॉर्डर के अंदर करेंगे इसके लिए, बॉर्डर के अंदर करने के लिए सभी को हम इस तरह कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर के अंदर ही देना है। तो इस तरह माउस से इसको एराव से, कीबोर्ड के एराव से अंदर कर लेंगे। इसी तरह नेम को भी अंदर कर लेंगे, फ़ोटो को भी छोटा कर लेंगे अगर आप बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर के अंदर आ गया, और इसको भी हम छोटा कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये नाम वगैरह सारा चीज़ बॉर्डर के अंदर आ चुका है। तो इस बॉर्डर देना चाहे दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये बॉर्डर नहीं दूंगा। इस तरह हमारा एक प्रोफेशनल सा रिज्यूम बन के रेडी हो चुका है। आप इसी तरह एक प्रोफेशनल सा रिज्यूम बना सकते हैं, जो भी लोगो देना चाहे लोगो दे सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी लिखना चाहे जो भी लाइन देना चाहे। अब इस तरह देख सकते हैं बॉक्स किस तरह बना सकते हैं, बॉक्स किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह आप बना सकते, चाहे तो इसके डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। आप नॉर्मल है इस पर क्लिक करेंगे, ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का बनते जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप चाहिए तो ये फर्स्ट नॉर्मल ही बेस्ट है। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, पेज को सेलेक्ट करेंगे, पेज वन देंगे, एक पेज है, कितनी कॉपी प्रिंट करना वो डालेंगे, और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहिए इसको सेव करने के लिए इस फाइल पर क्लिक करेंगे, सेवस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम देंगे फाइल का, जहाँ भी सेव करना चाहिए एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और जिसमें भी सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे।